मैनी ब्लॉग। तो गाइस अभी बज है सुबह के 8:30 और गाइस हम लोग तखतपुर जाने के लिए निकल चुके हैं सब्जी खरीदने के लिए। और गाइस कल से यार धनराज का बाजार जो क्या बाजार ठीक ठाक रहा और थोड़ा थोड़ा सब्जी बचा था उसको भी ना अभी बाबू बेचने के लिए ले गए हैं। तो हमारे पास ना कुछ भी सब्जी नहीं बचा है यार, जो बचा था उसको उसको ले गए हैं। तो आज जा रहे हैं गाइस, देखते हैं यार क्या क्या सब्जी लेकर आते हैं अभी और क्या क्या रेट में सब्जियां मिलता है उसको। और गाइस छोटू को ब्लॉग स्टार्ट करने को बोल रहा था यार, लेकिन यार ये तो बहुत शर्माता है यार, बोल भी नहीं पाता है कैमरे में ढंग से। इतना दिन हो गया यार तो भी इसका यानी कि ना शर्मिलापन अभी तक नहीं गया है, बनाते बनाते इतने दिन हो गए तो भी बोल ही नहीं पाता यार बोलने को। बोल अगर छोटू भी बनाता तो यार मस्त यार, दोनों भाई मस्त है ना। छोटू मंडी साइड का दिखाता जो खरीदारी करता उस साइड का, और मैं वीडियो बनाता बाजार साइड का, तो मस्त दोनों मिलाकर के दिखाता यार मैं तो। लेकिन ना छोटू नहीं बनाता यार, इसलिए उसमें मजा आता है, वीडियो अच्छा बनता जब मंडी साइड का भी दिखाता तो। और गाइस ये अपना तराजू जो है यार खराब हो चुका है यार, नंबर कट कट के दिखाई दे रहा है, पूरा साफ नंबर नहीं आ रहा है, कट जा रहा है, नंबर समझ में नहीं आ रहा है कितने किलो है क्या है ना। तो इसको भी बनवाने के लिए ले जा रहे हैं, आज बना के देता है कि नहीं देखते हैं यार। आज तो पूरा खाली है गाइस, देख सकते हैं कल पूरा पेट था अपना, जगह जो है यहीं पर लगाते हैं अपना गाड़ी। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं तखतपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने के लिए, और छोटू चला गया यार जल्दी जल्दी सब्जी खरीदने के लिए। और मस्त मटर आता है तुरंत का ताजा तोड़ा हुआ, तो गाड़ी को देखा तो दौड़ते हुए चला गया यार उसी से लूंगा ऐसे करके। तो गाइस ये देख सकते हैं आलू ले लिए, आलू शुरुआत किया है, देख सकते हैं कितना 10 कैरेट लिया है क्या ब्रो, कितने में? 12 रुपए किलो में। ये देखो गाइस आलू का क्वालिटी यार काफी बढ़िया है, लेकिन यार एकदम छोटा छोटा भी है यार, देखो ना एकदम ऐसी कम रेट में बिकता है छोटा वाला, ये वाला ठीक रेट में बिकता है। ये देखो गाइस अपना टमाटर यार 650 रुपए कैरेट वाला 10 कैरेट ले लिया है, देख सकते हैं इसमें भी है और छोटू जमा रहा है उधर, देख सकते हैं। और ये रहा क्वालिटी काफी बेस्ट क्वालिटी टमाटर है। ये रहा गाइस अपना मटर और गाजर, छोटू मटर और गाजर को कितने में लिए है भाई? गाजर को 10 रुपए में लिया हूँ, गाजर को 10 और मटर 37 रुपए किलो, 33। ये देखो कैसे एक बोरी है 33 रुपए किलो में, और ये है 10 रुपए किलो में गाजर। तो गाइस जितना भी सब्जी लेना था ले लिया है, और ज्यादा सब्जी को भी बाजार में नहीं दिखाया हूँ यार, मंडी में सीधा बाजार में चल के दिखाऊंगा यार क्या क्या सब्जी है। वैसे तो आज बहुत सारा सब्जी ले लिया है, बहुत प्रकार की सब्जी है। अभी तो चलते हैं सीधा घर, बहुत ही ज्यादा धूप हो रहा है गाइस, बहुत गर्मी लग रहा है, मिलते हैं सीधा घर में। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मंडी से घर, और चलते हैं गाइस सीधा नहाते हैं, फिर मिलेंगे सीधा बाजार के समय। तो गाइस अभी बज चुका है यार 3:00 और आज है गाइस सोमवार जो कि है बेलपान का बाजार। तो फिर चलो गाइस चलते हैं यार बेलपान का बाजार। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यार बेलपान का बाजार, और गाइस अपना जो बोरी पन्नी है वो भी बिछा लिया है यार, देख सकते हैं। और अपना गाड़ी को देखो यार कितना ज्यादा लोड है, आज बहुत ज्यादा लोडिंग था अपना गाड़ी जो है, और सामान को अब जमाना चालू करते हैं यार। वैसे तो बहुत कम लोग जमाए हैं अभी, तो जस्ट आग तैयार हुए हैं। तो गाइस अपना दुकान लग के रेडी हो चुका है, चलो यार सब्जियों का रेट बताता हूँ क्या क्या रेट बेच रहे हैं उसको। और देख सकते हैं गाइस मेरे पास है लाल भाजी, पालक भाजी और पत्ता गोभी, और ये देखो यार 450 जुड़ी है मेरा लाल भाजी जो ना 200 रुपये सैकड़ा में लेकर आया था यार, देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है लाल भाजी का। और 20 का 5 जुड़ी रखा हूँ देख सकते हैं कूढ़ा में, और पालक भाजी को 10 के 10 जुड़ी दे रहा हूँ, ये है 50 रुपये सैकड़ा का है। तो और ये है पत्ता गोभी 14 रुपये नंग का, इसको 20 रुपये नंग में बेच रहा हूँ। और अपना गाजर है यार 10 रुपये किलो का, अभी तो उसको 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, लेकिन बाद में कम ज़्यादा करके पूरा ख़त्म कर देंगे। टमाटर अभी 40 रुपये किलो बेच रहे हैं, आलू 15 बेच रहे हैं, मिर्ची 10 रुपये पाव, और मटर को 40 रुपये किलो, और वहाँ पर सेमी है, सेमी है 27 रुपये, उसको 40 रुपये बेच रहे हैं, और गोभी है वहाँ पर उसको 7 रुपये में लिए, अभी 20 का 1.5 किलो दे रहे हैं गोभी को वहाँ पर है उसको, और टमाटर यहाँ पर भी है उसको भी 40 रुपये किलो, बैंगन को 40 रुपये किलो दोनों को, और यहाँ पर और मिर्ची हर देख सकते हैं वो भी अपना 73 किलो हर जमा रहा है इस बोरी में, और है। और ये देखो मिर्चा, ये है मिर्ची कल वाला बचा हुआ है यार, इसको 10 रुपये पाव ही बेच रहे हैं, 32 रुपये किलो का है ये, देखो इतना कुछ है। और ग्राहक आ गए हर देख सकते हैं, यहाँ पर भैया दे रहा है यार मदद कर दिया, 20 का 5-6 दे दिया यार, चलो वो नहीं कर दिया। तो गाइस देख सकते हैं यार बाजार का हाल, अभी तो बाजार पूरा खाली है, ग्राहक अभी घूम कर पता कर रहा है यार सब्जियों का रेट, देख सकते हैं
अभी हमारे पास भी खाली है। मैं जस्ट अभी बिस्क लाल भाजी बेचा हूँ और देख सकते हैं इस साइड, यहाँ पर देखा यार पूरा खाने का सामान है, मिक्सचर सलोनी जलेबी वगैरह इस साइड भी है। वहाँ पर पूरा ठेला लगा हुआ है सड़क के किनारे में, वो देख सकते हैं पूरा ठेला ही ठेला है। और ये देखो यार ग्राहक आ चुका है हमारे पास। 20 रुपये में पत्ता गोभी, भाजी कौन सा भाजी 10 रुपये गुहा, 10 के 10 दे दीजिए वाला भाजी। थाली कोई भी कुछ ₹20 किलो, गाजर ₹20 किलो, हाँ लाल भाजी पालक भाजी वाले कच्चा भाई 60 रुपये। हाँ पालक भाजी 10 के 10। हाँ टमाटर वाले 1 नंबर टमाटर वाले। आलू 15। कपड़े छाट के दिए हैं लाल भाजी पालक भाजी वाले 10 रुपये। आलू वाले 15 रुपये किलो। गाजरपुर से लाया हूँ मैं देखने के लिए। ये देखो भाई इतना सारे भीड़ है, इतना सारा लगा है, साउथी है यहाँ पर गाजर दे रहा है, टमाटर तो गाइस देख सकते हैं आज का बाजार का हाल। उतना खास सब्जियां नहीं बिका है, गाजर आधा हो चुका है, लेकिन गोभी जस के तस अभी तक रखा हुआ है। 10 रुपये किलो दे रहे हैं गोभी को, और मैं अपना लाल भाजी 20 का 6-7 दे रहा हूँ यार, 6 ठो बूढ़ा कर दिया हूँ और 20 का 7 दे रहा हूँ यार। देख सकते तो भी नहीं ले रहे हैं, नहीं बिक पाया यार, 450 लेकर आया था। और ये देखो पत्ता गोभी मेरा पूरा बचा हुआ है और ग्राहक पूरा लगा ही हुआ है यार, देख सकते हैं। लेकिन खाली होने के बाद ग्राहक भी, बाजार पूरा खाली लग रहा है, भीड़ खत्म हो चुका है। गाजर 20 रुपये किलो, हाँ लाल भाजी वाले पालक भाजी 10 के 10, गाजर 20 रुपये किलो, लाल भाजी 20 के 6 जुड़ी है, 20 के 6-7 दे दूँ। 1 नंबर लाल, एकदम प्योर लाल, ठीक है जी। हाँ पालक भाजी वाले 10 में 15 जुड़ी, 10 में 15 जुड़ी, लाल भाजी 20 के 8 जुड़ी हो गए, 10 में 4। गाइस बाजार तो पूरा खाली हो चुका है और उतना ज़्यादा सब्जी नहीं बिक पाया है, बहुत सारा सब्जी बचा हुआ है बाजार में, बहुत ज़्यादा सब्जी आया था गाइस, इस कारण नहीं बिक पाया। और देख सकते हैं मेरा लाल भाजी अभी भी बचा हुआ है, ये देख सकते हैं। उठाता हूँ यार सभी सब्जी को, देख सकते हैं पूरा उठाते उठाते टाइम हो जाएगा और बाबू जो है उठाने लगा है सामान को। और ये देखो यार पत्ता गोभी भी बचा हुआ है,
फाइनली गाइस हम लोग बाजार से पहुंच चुके हैं यार घर। और गाइस चलो यार हाथ पर वगैरह धोते हैं फिर मिलते हैं सीधा सवेरे। और गाइस अपना ही हिसाब किताब जो है सीधा सवेरे ही करते हैं। और उतना खास तो नहीं रहा यार आज का बाजार, तो यार ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा ना, अभी तो पैसा तक नहीं बना होगा यार, बहुत ज़्यादा सब्जी बचा हुआ है। तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज है बुधवार और गाइस सोमवार का दिन का जो ब्लॉग है अभी एंड कर रहा हूँ यार, क्योंकि यार सोमवार के दिन ना हमारा सब्जी नहीं बिक पाया था, बहुत ज़्यादा सब्जी बचा हुआ था यार, तो ना कल बेचे यार, कल ना सुबह शाम करके ना दोनों टाइम करके सब्जी बेचे तो सारा सब्जी बिक गया यार। और उस दिन नहीं बिका ना तो अपना हिसाब किताब भी नहीं किया था यार, और उस दिन ना यार हिसाब किताब किया तो पैसा तक नहीं बना था यार, इसलिए ना उस दिन ना ब्लॉग को एंड नहीं किया था। और सारा सब्जी बेचने के बाद यार आज ब्लॉग एंड करूंगा। तो गाइस सोमवार के दिन की सब्जियों की बात किया यार, उस दिन ना सब्जी बच गया था, हमारा नहीं बिक पाया था। और गाइस हम लोग ना उस दिन यार 13,000 रुपए की सब्जी लेकर गए थे, जिसको हमने मात्र 8,000 रुपए का सेल किया था यार, तो अपने को 5,000 रुपए पैसा बनाना बाकी था उस दिन। और कल बेचे तब जाकर अपना अपना जो पैसा बना और प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन यार बहुत कम प्रॉफिट में बेचे ना तब जाकर हमारा सब्जी जो बिका। और लाल भाजी बहुत ज्यादा बच चुका था यार, लाल भाजी में मेरे को ना उस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, कल बेचा यार तो ना कल ना 10 का 5, 6, 7 ऐसे दे रहा था यार, और जो शुरू दिन 20 का 6, 7 ऐसे दे रहा था 5, 6, लेकिन कल 10 का 6, 7 देना पड़ा तो भी थोड़ा सा बच गया, लेकिन आखिर में पूरा ले दे के बिक ही गया। तो गाइस अपना सोमवार के दिन का टोटल 13,000 रुपए का सब्जी लेकर गए थे यार, जिसको हमने यार 2 दिन में ना 15,000 रुपए का सेल किया यार, तो ना 13,000 की सब्जी को 15,000 रुपए का सेल किया है 2 दिन में, तो गाइस अपना प्रॉफिट 2,000 बनता है यार। और बहुत कम प्रॉफिट में बेच रहे थे यार तब जाकर 2,000 मिला, वरना बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है अगर एक दिन में इतना सब्जी बिक जाता तो, लेकिन 2,000 ही बहुत है यार। और प्रॉफिट हुआ यार, लॉस तो नहीं हुआ, चलो ठीक ठाक है, अपना पैसा बन जाता है, प्रॉफिट होता ही है, प्रॉफिट भले 200-400 हो लेकिन ना लॉस नहीं होता है। तो गाइस आज का भी ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप कि आप लोग आज की वीडियो पसंद आए होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आज के वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम गाइस।